ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पर आए पढ़ने, क्योंकि ये सारी खुशी खराब हो जाएगी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं बोलता हूँ आपके हाथ में केवल एक ही चीज है, एफर्ट्स, मेहनत करना। रिजल्ट आपके हक में होगा कोई नहीं जानता, रिजल्ट किसी कभी भी किसी के हक में नहीं आता है, रिजल्ट को हक में लाना पड़ता है। और वो एक ही तरीका है, केवल और केवल क्या करके, मेहनत करके। और मेहनत करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती है भाई। आप लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए आपने जिंदगी में एक कदम तो बहुत बढ़िया उठाया है। जिस बच्चे ने दूसरी बार या तीसरी बार ड्रॉप किया है ना, उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन ले लिया। आप जानते हैं सबसे मुश्किल क्या था, घर से निकलकर यहां तक आना। उसके बाद अब सारी चीजें क्या है, आसान है। मैं नहीं कहता कि हर पेपर में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं भाई। परफॉर्मेंस अच्छी भी रहेगी, परफॉर्मेंस खराब भी रहेगी, लेकिन बेटा एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस अगर अपना खत्म हो गया ना, अपना सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। अगर कोई प्लेयर मैच से पहले डर जाए, परफॉर्मेंस नहीं आती। और जब आप दो तीन टेस्ट मैच हो, चाहिए आपका वनडे मैच हो, दो तीन में अगर कोई बढ़िया से बढ़िया बैट्समैन, आप कोहली को देखो आज कल, अगर कोई जीरो पर दो बार लगातार आउट हो जाए ना, प्रेशर ऑटोमेटिक आता है। और आप बताइए कोई भी बैट्समैन प्रेशर को कैसे रिड्यूस करता है, रन बनाकर। अगर वो लगातार दो चौके मार देता है ना, कॉन्फिडेंस वापिस आ जाता है। कौन आ जाता है प्रेशर के अंदर, बॉलर आ जाता है। और बॉलर लगातार दो विकेट ले ले तो आने वाला बैट्समैन ऑटोमेटिक प्रेशर में आ जाता है। और वो आते ही दो छक्के मार दे तो फिर बॉलर प्रेशर में आ जाता है। तो प्रेशर को रिड्यूस करने की एक ही टेंडेंसी है कि आपको काम करना, जिस भी चीज से स्ट्रेस है, जिस भी चीज से प्रेशर है, वो काम शुरू कीजिए, अपने आप धीरे धीरे कम होगा। सोचने से किसी का भी स्ट्रेस कम, दुनिया में किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। अगर रिविजन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस है, तो रिविजन शुरू कर, तीन दिन ढंग से पढ़ाई करेगा, स्ट्रेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लोगों से शेड्यूल मंगवाता फिरेगा, टीचर से हेल्प लेता फिरेगा, अब ये टीचर्स का तो खुद का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। मैं आपको हर बार एक बात बोलता हूं, हर चीज का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम दूसरे की हो चाहिए। तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है, कैसे करना है आपसे बेटर कोई भी नहीं जानता। हमें सारी